असला डियर स्टूडेंट्स माई टूडेज टॉपिक इज फॉर क्लास इंग्लिश एंड द चैप्टर नंबर थ्री ऑफ योर टेक्स्ट बुक अंडर टाइटल प्रॉफिट मोहम्मद एंड द पेज नंबर ऑफ योर इंग्लिश बुक इज ट्वेंटी फाइव लेट एस स्टार्ट बच्चों हमने पिछले लेक्चर में यहां तक पढ़ा था uh, आज इससे आगे इसको कंटिन्यू करते शुरू करते हैं चिल्ड्रन वट हैपन आफ्टर दैट बच्चे बोले इसके बाद क्या हुआ नैनी वेल लाइक हिज अंकल मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो एडोप्टेड ट्रेड एज हिज प्रोफेशन प्रोफेशन नैनी ने कहा अच्छा अपने चाचा की तरह मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने तजारत को अपना पेशा बना लिया ही मर्चेंडाइज विध अदर डिफरेंट प्लेस एंड एवरी टाइम अर्नड ए गुड प्रॉफिट तो मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने तजारती सामान और बाकी जो काफिला था इसके साथ बहुत सारी जगहों पर लाया और अच्छा मुनाफा कमाया ऑल द पीपल अप्रिशिएटेड हिज पीस बे अपान हिम ऑनेस्टी ट्रूथफुलस स्ट्रेट फारवर्डनेस अप्रिशिएटेड तारीफ करते थे ईमानदारी ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस सच्चाई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस साफ गोई या yeah, सीधा सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल द पीपल सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी सच्चाई साब गोई की तारीफ करते थे दैट टाइम ए रिच विडो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्हा हु हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मोहम्मद पीस बे अपान हिम आनेस्टी सेंट हिम विथ हर मर्चेंडाइज टू सीरिया तो इस वक्त की इमीर बेवा खतीजा रजिला ताला अनहर तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुना इसने अपने तजारती सामान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहि अलैहि वसल्लम को सीरिया भेजा हर सर्वेंट अकंपेंडड हिम खतीजा रज़ियालाहि ताला अन्हा का नौकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहि अलैहि वसल्लम के हमरा गया ऑन द एयरवे द कारवां स्टॉप्ड नियर ए चर्च

देअर स्टार्टड ऑब्जरविंग मोहम्मद सही वसलम वेरी कीनली एक पादरी ने बड़े गौर से मोहम्मद सल्ला को देखना शुरू किया कीनली बड़े गौर से ऑल द चिल्ड्रन नैनी वाज द सेम पीस्ट हुड सीन मोहम्मद पीस बी अपान हिम फॉर द फर्स्ट टाइम विथ हिज अंकल नैनी से बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये वही पादरी है क्या ये वही पादरी है जो इनको पहले भी मिला था जब मोहम्मद वसल्लम के साथ उनके चचा थे बच्चे नैनी से पूछ नानी से पूछ रहे थे क्या ये वही पादरी था जब मोहम्मद अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ थे जब इनको ये मिला था उस दिन नैनी नो आई डोंट थिंक

लोग पादरी के बारे मशकूक हो गए और चिल्लाने लगे सस्पिशियस मशकूक हो गए द प्रीस्ट टुक शेल्टर एट द रूफ ऑफ द चर्च एंड फ्रॉम देयर एश्योर्ड द एश्योर्ड द पीपल दैट ही मीन्ट नो हार्म बट वाज कंपेयरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट प्रोफिट एज गिवन इन द बाइबल विद द फीचर्स दैट ही हैड फाउंड इन मोहम्मद पीस बेअान हिम कम्पेयरिंग मुकाबला करना पादरी ने गिरजाघर की छत पर पना ली पीस टूक शेल्टर एट द रूफ ऑफ द चर्च पादरी ने गिरजाघर की छत पर पना ली जब लोगों ने चलाना शुरू किया लोगों को शक हो गया तो पादरी ने गिरजाघर की छत पर पना ली एंड फ्राम एश्योर दीपल डैट ही मैंट नो हार्म और इसने लोगों को कह दिया वो कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट प्रोफ एज गिवन इन द बाइबल विद द फीचर्स डेट ही है मोहम्मद पीस बी अबानम लेकिन बाइबल में दिए गए आखिरी नबी सफसील का मवाना कर रहा था कौन पादरी इन अल्फाज के साथ जो मोहम्मद वसल्लम में थे शबनम नैनी यू मैंशन द बाइबल बिफोर ऑल्सो वट इज इट शबनम नानी से बोली शबनम नानी से बोली आपने इसे पहले भी बाइबल का जिक्र किया ये क्या है अब शबनम अपनी नानी से पूछ रही कि आपने पहले भी बाइबल का जिक्र किया है ये क्या है नैनी ओ आई एम सॉरी आई फॉर गेट टू टेल यू नानी बोली मैं माफी चाहती हूँ नानी बोली मैं माफी चाहती हूं मैं आपको बताना भूल गई मैं आपको बताना भूल गई द बाइबल इज द रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिस्चन द फॉलोअर्स ऑफ द जोसेस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ये ईसाइयों की मजहबी किताब है जिस तरह मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान पाक है जो ईसाई लोग हैं इनकी मज़हबी किताब बाइबल है बच्चों आज यही स्टॉप करते हैं कल इनशा इसे आगे का पढ़ेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज